హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ద డెస్క్ దేవా ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ క్లాసెస్. ఫ్రెండ్స్, అగర్ అభి తక్ ఆపనే హమారే ఛానల్ కో సబ్స్క్రైబ్ నహీ కియా హై తో అబ్ సబ్స్క్రైబ్ కర్ లో ఫ్రెండ్, క్యూంకి హమ్ బహుత్ హీ జల్ద్ ఏక్ కాంటెస్ట్ షురు కర్నే వాలే హై జిస్మే వీడియో కే అంత్ మే ఏక్ సవాల్ పూచా జాయేగా. హర్ దిన్ హర్ వీడియో కే అంత్ మే లాస్ట్ మే ఏక్ సవాల్ పూచా జాయేగా ఔర్ ఏక్ మహీనే కే అందర్ जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स में से सबसे ज़्यादा सही जवाब देंगे और सबसे ज़्यादा हमारे वीडियो शेयर किए होंगे उनको मिलेगा पुरस्कार. और वो पुरस्कार कितने का होगा वो हम अभी नहीं बताएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जितना भी आपको अभी तक हमने बेसिक में पढ़ाया है वो सब एक एक करके बताएंगे, सबका वर्णन करेंगे, सबको डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके. ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ही वीडियो में 15 मिनट में या 20 मिनट में जितना भी हो, जितने देर का वीडियो बने, आप एक ही वीडियो में पूरा बेसिक को समझ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो एक बार फिर से. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं. आपको याद होगा सबसे पहले हमारा था इज आर एम, इज आर एम. तो इसमें कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है. जैसे उसका घर छोटा है तो हिज हाउस इज स्मॉल. इसका नेगेटिव बनाएंगे, हिज हाउस इज नॉट स्मॉल. इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इज हिज हाउस स्मॉल. क्वेश्चन वर्ड में हम कुछ भी क्वेश्चन वर्ड ले लेंगे कि उसका घर छोटा क्यों है, तो व्हाई इज हिज हाउस स्मॉल. ठीक है फ्रेंड, ये था इज आर एम हमारा. ठीक है, अभी हम वाज वर्ब का करेंगे. वाज वर्ब, वह मेरा दोस्त था. ही वॉज माई फ्रेंड. इसका हम नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट माई फ्रेंड. इंट्रोगेटिव, तो वॉज ही माई फ्रेंड, क्या हुआ मेरा दोस्त था. क्वेश्चन वर्ड हम कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड अपनी तरफ से ले लेंगे कि वह कब मेरा दोस्त था, तो व्हेन इज, सॉरी, व्हेन वाज ही माय फ्रेंड. ठीक है फ्रेंड, ये है वाज वर्ब. आप एक एक करके मैं फटाफट करते जा रहा हूँ, आप रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन करना है इसका. अभी फ्यूचर, शैल बी विल बी, वह एक डॉक्टर बनेगा, तो ही विल बी अ डॉक्टर. ही विल नॉट बी अ डॉक्टर. इंट्रोगेटिव, विल ही बी अ डॉक्टर. क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे, वो कब डॉक्टर बनेगा, तो व्हेन विल ही बी अ डॉक्टर. ठीक है फ्रेंड, तो फ्यूचर में हम शैल बी विल बी का इस तरह से हम बनाते हैं. आप सिर्फ फॉर्मेशन देखते जाओ और एक बार रिवीजन, बस रिवीजन के लिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ताकि बेसिक में आप जो भी भूल गए होंगे उसका रिवीजन फिर से हो जाए. तो इसके बाद क्या था, प्रीपोजिशन था. तो प्रीपोजिशन में दो तरह के सेंटेंसेस थे, एक बिना इंट्रोडक्टरी देर का और इंट्रोडक्टरी देर वाला. तो जैसे किताबें, टेबल पर थी, तो द बुक्स वर ऑन द टेबल.
अगर हम इसको इंट्रोडक्टिव देर में लिखेंगे तो टेबल पर किताबें थी, तो देयर वर बुक्स ऑन द टेबल। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आप नए होंगे तो आप ये मत सोचना कि इतना जल्दी जल्दी बता रहा है इससे कोई इंग्लिश सीखता है क्या। नहीं, मैं सिर्फ उनके लिए ये बता रहा हूँ जिन्होंने मेरा पूरा क्लास अटेंड किया हुआ है, रोज का वीडियो देखा है, जिन्होंने बेसिक पूरा बेसिक पढ़ लिया है, सीख लिया है, उनके लिए सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। और आप भी अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंसी होगी तो आप भी समझते जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छी तरह से बताते ही जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद था इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ बताने वाली बात नहीं है, उसमें आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं और नीड लेते हैं। नीड 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 में पहला उसे बुक की ज़रूरत है या उसे बुक चाहिए, वैसा भी हम बोल सकते हैं। तो ही नीड्स बुक। नेगेटिव, ही नीड्स नॉट बुक। इंट्रोगेटिव, नीड्स ही बुक। क्वेश्चन वर्ड, उसे बुक की ज़रूरत कब है, तो व्हेन नीड्स ही बुक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया नेगेटिव का प्रेजेंट। ठीक है, अभी हम इसको नेगेटिव में पास्ट का करेंगे। तो पास्ट में सिर्फ ये चेंजिंग क्या होगा, इतना देख लो आप, थी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ, ही नीडेड हो जाएगा, बस। उसे बुक की ज़रूरत थी, ही नीडेड बुक। उसे बुक की ज़रूरत नहीं थी, ही नीडेड नॉट बुक। क्या उसे बुक की ज़रूरत थी, नीडेड ही बुक। उसे बुक की ज़रूरत कब थी, वे नीडेड ही बुक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम फ्यूचर लेते हैं। फ्यूचर, उसे बुक की ज़रूरत होगी तो ही विल नीड बुक। नेगेटिव, ही विल नॉट नीड बुक। इंट्रोगेटिव, विल ही नीड बुक। क्वेश्चन वर्ड, व्हेन विल ही नीड बुक। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा फ्यूचर।